फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिर। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने लेके आई हूँ कांदा पोहा। तो यहाँ पर देखिए, आप इसे मसाला पोहा भी कह सकते हैं। मसाला पोहा क्यों? तो क्योंकि मैंने इसमें मसाला डाला है। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, तो मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कांदा पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पोहा ले लिया है। पोहा को धोकर यहाँ पर रख दिया है। तो इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी। हम यहाँ पर जितना पोहा में नमक लगता है उतना डाल देंगे, बाद में हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच डालूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी। यहाँ पर मैं 1 नींबू डाल दूँगी। तो यहाँ पर इसके बीज निकाल लेना है। तो मैंने आधा डाल दिया है। तो और आधा डालूँगी, मतलब 1 नींबू डालूँगी मैं, ये आधा। यहाँ पर पोहा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। पोहा धोने का प्रोसेस मैंने पहले पोहा वीडियो बनाई थी, उसमें है। पोहा तो सबको धोते आता है बोलना, तो यहाँ पर इसलिए मैंने पोहा धोते हुए बताया नहीं है मैंने। और आपको अगर सही तरह का पोहा धोना जानना है तो आप पोहा रेसिपी है वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में ये डाल दूँगी वीडियो, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं पोहा रेसिपी का। तो यहाँ पर देखिए, हल्दी, नमक और नींबू मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर इसे हम रख देंगे साइड में। तो इसका मसाला बनाएंगे हम। यहाँ पर गैस पर रख देंगे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे ऑयल। 2 से 3 चम्मच डालेंगे अंदाजे से। यहाँ पर डाल देंगे शेंगदाना। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी शेंगदाना डाल दिया है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे, कड़क फ्राई कर देना है एकदम। यहाँ पर देखिए, शेंगदाना फ्राई हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं शेंगदाना निकाल दिया है। इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई दाना। यहाँ पर राई दाना हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन, प्याज नहीं है, तो और शेंगदाना और खोबरा किस, आप साबुत खोबरा भी ले सकते हैं, तो इसका पेस्ट है। तो मैं ये डालूँगी 1 से 2 चम्मच। यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 चम्मच डाला है। यहाँ पर इसे भून देंगे। यहाँ पर देखिए, मसाला हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, तो मैं कांदा पोहा बना रही हूँ तो 2 बड़े प्याज लिए हैं। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी। यहाँ पर देखिए, प्याज मैंने डाल दिए हैं, इसे भून लेंगे। कांदा पोहा में मसाला वगैरह रहता नहीं है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह रहता नहीं है, कांदा ही होता है। तो मैंने ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाई हूँ, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हम। मैंने आधा आलू काट के रखा था पतले लेयर्स में, तो यहाँ पर आलू जल्दी से गलते नहीं है, कच्चा आलू है। तो मैं इसमें प्याज में डाल दूँगी। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर इसे मिला लेंगे और इसे पकाएंगे। यहाँ पर देखिए, प्याज आलू हो चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे हम 6-7 मिर्ची ली है और 1/2 टमाटर। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर और मिर्ची को। हरी मिर्ची की जगह पे आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी मसाले के लिए, मतलब मसाले के लिए हल्दी डाल दूँगी। और वो जो हल्दी डाली थी पोहे में, वो पोहे के लिए थी। तो जैसे कलर दोनों का अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है 1/4 चम्मच। मसाला लगभग भून चुका है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है।
अब इसमें डाल देंगे ये पोहा। यहाँ पर देखिए मैंने पोहा डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने नमक डाला है पहले, तो अब नहीं डालेंगे हम। अगर आप इसमें नमक नहीं डालना कम डालना चाहते तो आप फिर जैसे अभी पोहा बना रहे तब डाल दीजिए, तो एडजस्ट हो जाएगा। मैंने एक साथ पोहे में ही मिला दिया था। यहाँ पर देखिए पोहा मसाले मिक्स हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे शेंगदाना और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, दिखने में तो अच्छा है पर खाने में बहुत टेस्टी है, इसे आप जरूर ट्राई करना। यहाँ पर देखिए मैं डाल दूंगी चीनी, तो चीनी डालने से क्या होता है, आधा चम्मच डाली है मैंने, या फिर कम भी डालना है, आधा चम्मच से कम, अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। तो मैंने चीनी इसलिए डाली है कि कभी कभी क्या होता है कि पोहे बनाते हैं तो उसमें से ऐसी स्मेल आती है, तो वो स्मेल नहीं आ पाती ये शक्कर डालने से, तो एडजस्ट हो जाती है स्मेल, तो पोहा वगैरह की आती है स्मेल, तो एडजस्ट हो जाती है शक्कर डालने से। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच शक्कर डाल दिए, तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कांदा पोहा मसाला पोहा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी कैसी लगी तो आप ज़रूर बताना, यहाँ पर मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर कांदा पोहा रेडी हो चुका है, तो मैं कर दूँगी गैस बंद। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नए नए वीडियो में लेके आती जाऊँगी, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।